हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मम्मीज किचन। आज हम बनाने जा रहे चिकन हक्का नूडल्स। इसके लिए जो सामग्री लगती है यहाँ पर दी गई है, 1 कप कटा हुआ पत्ता गोभी, 1 कप कटा हुआ गाजर, 1 कप बोनलेस चिकन उबला हुआ, आधा कप हरी पत्तीदार प्याज, आधा कप शिमला मिर्च, 1/2 टीस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस। नूडल्स को पानी में उबालकर ठंडे पानी से धोकर किनारे रखें। एक सौ पचास ग्राम उबला हुआ नूडल्स, चार से पांच कलियां कटी हुई लहसुन की, 1 टेबलस्पून हरा प्याज, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून विनेगर, नमक स्वादानुसार। एक नॉनस्टिक कढ़ाई में तेल डालकर गर्म करें, फिर उसमें बारीक कटी हुई लहसुन डालकर कुछ देर तक उसे भून लीजिए। कुछ देर तक लहसुन को भूनने के बाद उसमें सभी कटी हुई सब्जियां मिक्स करके उसे भी 2-3 मिनट के लिए तेज आंच पर भून लीजिए। उसमें काली मिर्च पाउडर डालें और उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब उसमें स्वादानुसार नमक डालकर उसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब उसमें उबला हुआ चिकन उसे भी कुछ देर तक भून लीजिए। चिकन के पीस को छोटे टुकड़े में काटकर उन्हें पानी से धोकर मैंने इसे 10 मिनट के लिए गर्म पानी इसमें उबाल, उसे फिर से अच्छे से सभी सब्जियों के साथ मिक्स कर लिया। अब उसमें रेड चिली सॉस मिक्स कर दीजिए और उसे भी अच्छे से सब्जियों में और चिकन के साथ भून लीजिए। अब इसमें सोया सॉस डालिए और उसे भी 1 मिनट के लिए तेज आंच पर भून लीजिए। इसमें टोमेटो सॉस और विनेगर डालकर अच्छे से तेज आंच पर भून लीजिए। अब इसमें उबले हुए नूडल्स मिक्स कर लिए और इसे अच्छे से भून लीजिए ताकि ये सब्जी और सॉस के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, और स्वादानुसार नमक मिक्स कर लीजिए और गर्मा गर्म हक्का नूडल्स तैयार हो गया और आप इसे सेजवान चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।